दोस्तों, ये रोड जो आ रहा है ये इंदौर से आ रहा है और हम गुजरी बाईपास पे खड़े हैं। और ये जो जा रहा है ये दामलोर होते हुए कलराड धर्मपुरी सेंधवा तरफ जाएगा। और ये यहाँ पे गुजरी बाईपास पे एक पुलिस चौकी है और जो आप ये सामने रोड देख रहे हैं ये महेश्वर के लिए जाएगा। तो हम गुजरी में एंटर कर चुके हैं। ये गुजरी का मार्केट है बहुत बड़ा। और आप यदि महेश्वर जाए तो यहाँ से ये बस देख सकते हैं आप, ये महेश्वर के लिए मिल सकती है, टाइम टू टाइम चलती है, तो आप यहाँ से बैठ सकते हैं। गुजरी से महेश्वर मात्र 20 किलोमीटर है, तो आप आधे घंटे में ये सफ़र कंप्लीट कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये राजस्थानी भेड़िया और ये एमपी में यहाँ पे चरने के लिए आते हैं क्योंकि उनके वहाँ पूरा बंजर होता है एरिया। सो गाइस, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बाइक का शोरूम है साई दरबार के नाम से। इसके जस्ट आगे से आपको लेफ्ट लेना है, तो ये आगे जा रहा है ये दामनोद के लिए है और ये लेफ्ट लेंगे अपन ये महेश्वर के लिए जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रिवर ये इधर से आ रही है और एक रिवर ये इधर से आ रही है, तो दोनों नदियाँ मिलकर एक नदी में कन्वर्ट हो रही है। सो गाइस, हम फाइनली गढ़ी गांव में पहुंच चुके हैं और यहाँ से आप यदि लेफ्ट लेंगे डायरेक्ट ये जाम गेट जाता है और स्ट्रेट जाएंगे तो ये महेश्वर के लिए। ये यहाँ पे है गोट फार्मिंग और यहाँ गोट फार्मिंग की जाती है, बकरियों पालन और मुर्गी पालन बहुत बढ़िया तरीके से होता है यहाँ पे। ये रोड इधर आशापुर जाता है, आशापुर का मंदिर है एक माता जी का। सो गाइस, फाइनली हमने अभी मोहिदा एक छोटा सा गाँव है उसको क्रॉस किया है। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे एक गवर्नमेंट स्कूल है। फाइनली हम अब ये छोटा सा गांव है मातमुर, हम यहाँ पे आ चुके हैं और आप यहाँ पे आके थोड़ा ध्यान रखें कि आगे जाके आपको यहाँ से राइट लेना है क्योंकि वही महेश्वर के लिए जाते हैं। सो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे गन्ने का खेत है। इंडिया में गन्ने की खेती बहुत बढ़िया की जाती है, तो आप सो देख सकते हैं एक गन्ने का खेत कट चुका है और गन्ने ट्रैक्टर में लोड हो चुके हैं, तो अब ये गन्ने किसान मंडी टच करेंगे। गाइस, तो हम मतलब महेश्वर में एंट्री मार चुके हैं। ये यहाँ से आप देख सकते हैं बस स्टैंड है, आप देख सकते हैं यहाँ से आपको दामनोद इंदौर के लिए बस मिल जाएगी बढ़िया। तो आप देख सकते हैं ये महेश्वर का मार्केट। ये महेश्वर आया। सो गाइस, तो हम आ चुके हैं महेश्वर, यहाँ का ये मेन चौराहा है और ये दामनोद से बस आ रही है और ये महेश्वर का रास्ता है और ये मंडलेश्वर जाता है, आप देख सकते हैं। और यदि आप इंदौर से आएंगे तो आपको दामनोद उतारेंगे और दामनोद से आपको दामनोद बस स्टैंड से बस मिलेगी और वो महेश्वर आती है। तो हमें अब एक महेश्वर चौक पे एक पुलिस वाले सर मिले थे, उन्होंने बोला कि आप काय का वीडियो शूट कर रहे हैं, तो मैंने फिर उनको थोड़ा डिटेल में बताया तो बोले ठीक है आप शूट कीजिए। तो हम अब महेश्वर में जा रहे हैं अंदर, देख सकते हैं आप पब्लिक आ रही है और शाम को मौसम हो गया है। सो दोस्तों, आपको यहाँ से लेफ्ट लेना है क्योंकि यहाँ से आप मेन गेट पे जा सकते हैं। हम आ चुके हैं ये करीब महेश्वर के और यहाँ से पार्किंग भी है, ये टू व्हीलर पार्किंग इधर नीचे है, आप लगा सकते हैं इधर। और हम ऊपर जा रहे हैं बाइक से, तो हम ये अब देख सकते हैं कितना बेहतरीन नज़ारा है यहाँ का। यहाँ फोटो लेना है तो गाइस, तो हम अभी एंटर करने वाले हैं।
यहाँ आए तो मास्क का ध्यान रखें, क्योंकि अपनी सेफ्टी के लिए मास्क बहुत ज़रूरी है, इसलिए मास्क पहने। यह है अहिल्या बाई की पालकी, वो फोटो हाँ फोटो भी लगा है यहाँ पे, स्टेचू पीछे और यहाँ राजवाड़ा चौक पे भी है, मतलब यहीं पे स्टेचू लगा है अहिल्या बाई का, देख सकते हैं आप। ये देख सकते हैं आप, पुराने जमाने के हथियारों तोप टाइप में दिख रहा है। ये है महेश्वरी राजवाड़ा, अब हम इसके अंदर एंट्री कर रहे हैं। सो आप देख सकते हैं ये अहिल्या बाई का दरबार था और यहीं पर सारे निर्णय लिए जाते थे अहिल्या बाई के द्वारा। सो गाइस आगे आप देख सकते हैं पुराने जमाने के हथियार यहाँ पे रखे हुए हैं, जो युद्ध के समय राजा और रानियाँ इनका यूज़ करती थी। आप देख सकते हैं अनेक प्रकार की यहाँ पे ये तलवारें रखी हैं। दोस्तों यहाँ पे एंट्री निःशुल्क है, तो आप आ सकते हो। सो गाइस फाइनली हम अब नीचे की ओर जा रहे हैं, तो आपको दिखाते हैं नीचे का व्यू। सो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर महेश्वरी साड़ी बनती है, और हम थोड़ा लेट हो चुके हैं तो ये अभी बंद हो चुका है। तो अहिल्या बाई ने सूरत से बुनकरों को यहाँ पर बुलाया था और उनसे आग्रह किया था कि साड़ियों पर ऐसे डिज़ाइन करें कि महेश्वर के आर्किटेक्चर की छाप हो, और यहाँ पर जो साड़ियाँ बनती हैं वो वर्ल्ड फेमस हैं। सो गाइस फाइनली हम अब किले के अंदर एंट्री कर रहे हैं, और यहाँ से अपन को अब लेफ्ट जाना है, क्योंकि किले के ऊपर जाने का रास्ता यहीं से है, तो आप लेफ्ट ले सकते हैं। तो गाइस फाइनली हम किले के ऊपर आ चुके हैं, और आप यहाँ से देख सकते हैं कितना बेहतरीन नज़ारा लग रहा है। पवित्र माँ नर्मदा नदी के तट पर भव्य और मजबूत ये किला बना हुआ है, आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन नज़ारा लग रहा है। यहाँ पे वर्क चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, मतलब अब थोड़ा रेन्यू भी बन रहा है, नया बनेगा बढ़िया। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी मूवी की शूटिंग भी हुई है, जैसे माने तो दबंग 3, पेडमैन, यमला पगला दीवाना 2, अपने तेवर है, बाजीराव मस्तानी, ऐसी कई फिल्में यहाँ पे शूटिंग हुई हैं। ये मेन गेट है, और सामने आप देख सकते हैं माँ नर्मदा नदी भी दिख रही है, और यहाँ का नज़ारा। इवनिंग टाइम आए हम, तो बहुत बढ़िया माहौल है यहाँ पे, अभी आप देख सकते हैं दादा दादी अपनी ज़िंदगी का मज़ा ले रहे हैं एक शांत माहौल में आके, आप देख सकते हैं। सो गाइस फाइनली हम अब नीचे जा रहे हैं, और अब जस्ट हम यहाँ से बाहर होंगे और आपको माँ नर्मदा नदी का दर्शन कराएंगे। तो गाइस हम अभी जा रहे हैं, नाव में बैठेंगे, इसलिए वहाँ पे देखते हैं टिकट क्या लगता है, पूरी डिटेल बता दें आपको नाव के बारे में। सो ये बोटिंग का काउंटर है, यहाँ से आप बोटिंग के लिए टिकट कटवा सकते हैं। सहस्त्र धारा राउंड 1000 रुपये लगेंगे,
और बाणेश्वर राउंड 300 और कपल राउंड 200 है और प्रत्येक सवारी मतलब पर मेंबर 50 रुपीज़ लगेंगे। तो आप यहाँ से टिकट कटवा सकते हैं। और ये है बोटिंग और यहाँ पे जो बाणेश्वर टेंपल है वो वहाँ सामने दिख रहा है आपको, वहाँ पे ये वाला आपको वहाँ तक एक राउंड घुमा के वापस ये लाके छोड़ देंगे। सो गाइस हम नाव के लिए बैठने वाले हैं अभी, तो पर पर्सन या 50 रुपीज़ लगते हैं और यदि कपल में जाएंगे आप तो 1000 लगेंगे। सो गाइस फाइनली हम बोटिंग में बैठ चुके हैं और अब हम बाणेश्वर टेंपल के दर्शन के लिए जा रहे हैं आप देख सकते हैं, और माँ नर्मदा नदी की यात्रा करेंगे ज़बरदस्त। तो गाइस हम वहाँ बाणेश्वर टेंपल के वहाँ पहुँचने वाले हैं, वहाँ जाके दर्शन करेंगे। वैसे मेरा फर्स्ट टाइम है वहाँ जा रहे हूँ और बोटिंग में मेरा फर्स्ट टाइम है, तो बहुत बहुत मज़ा आ रहा है। सो गाइस ऐसा लग रहा है जैसे नाव स्थिर है बट नाव चल रही है बहुत रफ्तार से, और यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे पानी रफ्तार से जा रहा है बट ऐसा नहीं है, नाव चल रही है पानी को काट के जा रही है। और हम बाणेश्वर टेंपल के जस्ट नज़दीक आ चुके हैं और अब दर्शन करने के बाद रिटर्न जाएंगे वापस। इस शाम का इवनिंग का टाइम है, बहुत बढ़िया है, देख सकते हैं आप। सो गाइस हम ये बाणेश्वर टेंपल के करीब आ चुके हैं, यहाँ से राउंड लगा के फिर जाएंगे। यह है एक टापू बना हुआ है यहाँ पे, देख सकते हैं आइलैंड टाइप का दिखता है। ये टेंपल का नाम तो पता नहीं हमें पर बहुत बढ़िया लग रहा है, खूबसूरत नज़ारा है। हमारी बोटिंग की ट्रिप कंप्लीट होने वाली है, अब आ चुके हैं बोटिंग के जो स्टेशन है वहाँ पर। अब बोटिंग उसके जहाँ स्टेशन है वहाँ लग जाइए। अब सो गाइस शाम को 6 बज चुके हैं यहाँ पे, और यहाँ पे अब थोड़ी लाइट भी चालू हो गई है यहाँ पे। और ये बोटिंग है ना ये ओनली 7 बजे तक चलती है, उसके बाद बंद कर दी जाती है। सो गाइस देख सकते हैं आप बच्चे हम साइकिल ड्राइविंग कर रहे हैं, अपनी धुन में सब मगन है। यहाँ पे शाम हो चुकी है और इतना खूबसूरत नज़ारा है और बहुत शांत वातावरण है यहाँ पर। सो गाइस तो यहाँ पे माँ नर्मदा जी का पूजन हो रहा है दीपक प्रज्वलित करके, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है। चुके हैं अब माँ अहिल्या फोर्ट पूरा घूम चुके हैं, माँ नर्मदा का दर्शन कर लिया है और अब घर जाने वाले हैं, तो सोचा आपसे थोड़ा मुलाकात की जाए। तो देख सकते हैं अब हम जाने वाले हैं घर, वही तो थक गए, ठंड भी बहुत लग रही है। और शाम को आए तो यहाँ आपका स्वेटर लाया ना तो बहुत ज़बरदस्त ठंड, बाइक से आए थे वो आपको जो येल्लो शर्ट में दिख रहा है वो अपना भाई अजय है, वो बाइक निकाल रहा है। और अब हम यहाँ पार्किंग में लगी थी बाइक, यहाँ निःशुल्क था और पार्किंग में लगा दी थी बाइक, तो अब यहाँ से बाइक निकाल रहा है, अब हम डायरेक्ट घर के लिए रवाना हूँ। दोस्तों हमारा वीडियो आपको यदि पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें।